स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BA जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने कुछ बच्चों की कमेंट देखी थी और उस कमेंट को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन में आए उनको बहुत सारी बातों के बारे में पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे यहाँ से और सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स की, और यहाँ पे मैं केवल एक सब्जेक्ट मैंने लिया है बीए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बीए पॉलिटिकल साइंस लिया है मैंने ऑनर्स का और बीए पॉलिटिकल साइंस लिया है मैंने प्रोग्राम का, ठीक है, पोल साइंस। अब मैं दोनों के सिलेबस को आपके सामने रखूंगा और कंपेयर करूंगा कि दोनों के सिलेबस में क्या अंतर होता है, क्योंकि एक कमेंट मैंने कई बच्चों का देखा है, कमेंट में वो यही पूछते हैं मुझसे कि बीए प्रोग्राम का और बीए ऑनर्स का क्या एक ही सिलेबस होता है, क्या मतलब प्रोग्राम और ऑनर्स में सिलेबस सेम होता है, वो ये कहना चाहते हैं। अगर एक बात सोचो, जब सिलेबस सेम होता तो फिर प्रोग्राम और ऑनर्स अलग अलग चीजें क्यों होती, वो तो एक ही होता। तो क्या डिफरेंस है, क्या कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU का है। अगर आप DU से रेगुलर हैं, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए यही सिलेबस होगा। अगर आप SOL से कर रहे हैं तो भी आपके लिए यही सिलेबस होगा। NC वेब से कर रहे हैं तो भी आपके लिए सिलेबस यही होगा, क्योंकि तीनों ही DU के जरिए होता है और सिलेबस जो है तीनों का सेम है, आपको कोई फर्क नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस की। इस पॉलिटिकल साइंस के एग्जांपल से मैं आपको बहुत सारी बातें आप ऐसी बता दूंगा जो आपको नहीं पता होंगी। पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाला हूँ कि सिलेबस जो होता है हमारा, सिलेबस में क्या डिफरेंस है और कौन से टॉपिक हैं। अगर कोई टॉपिक सेम होते हैं दोनों जगह प्रोग्राम और ऑनर्स में तो वो कौन से टॉपिक हैं, कुछ कॉमन टॉपिक हैं या नहीं है, और डिफरेंस है तो क्या है, यही आपको डिस्कस करूंगा। देखिए मैं आपके सामने चार स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप इनको देखें। स्लाइड वन है ये, इसके बाद चलते हैं हम, ये हमारी जो स्लाइड है ये टू है, और ये हमारी जो स्लाइड है ये थर्ड है, थ्री, और ये हमारी लास्ट है फोर्थ। ये जो चार स्लाइड है, ये चारों स्लाइड में जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये BA पोल साइंस ऑनर्स के हैं, ठीक है। अगर आप ऑनर्स कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप ओपन से कर रहे हो, आपको सिलेबस यही मिलने वाला है। और DU का जो सिलेबस है, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हो, मान लो आप MDU से करते हो या कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी से करते हो, बिहार की यूनिवर्सिटी से करते हो या अदर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी से करते हो या इग्नू से करते हो या जामिया से करते हो, कहीं से भी आप करते हो, तो बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, बाकी टॉपिक आपको एक जैसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है, आप देख लेना, बिल्कुल आपको वही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई ऑनर्स का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए बीए पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पॉलिटिकल साइंस को जो पढ़ेंगे वो काफी डीपली पढ़ोगे, आप बिल्कुल डीप पढ़ोगे उसे। और ये केवल मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं सेकेंड ईयर की बात नहीं करूंगा और थर्ड ईयर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आए हैं वो फर्स्ट ईयर में ही आते हैं, ठीक है, तो उनको बताने वाला हूँ। तो डीपली पढ़ोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस काफी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। आपके सामने ये टॉपिक है, आपकी जो पहली बुक होगी उसमें आपके सामने ये टॉपिक होंगे। बुक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, साम्राज्यवाद के सिद्धांत, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्या प्रकृति थी, भारत में औपनिवेशिक शासन आया और हमारी अर्थव्यवस्था में उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे और राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, और ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय सेना थी और भारत की स्वतंत्रता, इसके बारे में एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो था उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो 12th क्लास में हिस्ट्री में, ये भी आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। ये सारे टॉपिक आपके पॉलिटिकल साइंस में, हो सकता है कोई टॉपिक आप हिस्ट्री में पढ़ के आए हो बट यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर राष्ट्रवादी और वामपंथी आंदोलन, और ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये तो आपकी बुक वन में आपको ये टॉपिक मिलने वाले हैं। अगर हम जाते हैं बुक टू की तरफ तो इसमें आपको मिलेंगे राजनीति, सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व के बारे में बताना है आपको, राजनीति तथा उसकी शक्ति के विभिन्न प्रकार, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, उदारवादी, मार्क्सवादी, ये सारे टॉपिक ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। अगर आप ऑनर्स में हैं, आपको नहीं पता
तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, बहुत सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, आप उसमें देख सकते हो। शक्ति का नारीवादी दृष्टिकोण, राज्य और उसके तत्व, आधुनिक राष्ट्र का विकास, नागरिकता, नागरिकता और लोकतंत्र, ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ये आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये बुक आपकी दूसरी है। तीसरी तरफ आप चलते हो तो आगे आपको स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के विभिन्न सिद्धांत, और ये देखो उदारवादी, सकारात्मक, मार्क्सवादी, समाजवादी, और ऐसे ऐसे आपको टॉपिक कुछ दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, लोकतंत्र। तो ये जो है हमारे टॉपिक, ये थर्ड बुक में मिलेंगे। और लास्ट बुक आपकी जो है उसमें देखो आपको क्या टॉपिक मिलेगा, उसमें टॉपिक आपको ये मिलेगा कि इसके जियाउद्दीन बरनी के क्या विचार थे, कौटिल्य के क्या विचार थे, राजा राममोहन राय का क्या चिंतन था राजनीति को लेकर, जेपी नारायण के बारे में, स्वामी विवेकानंद से संबंधित इनके विचार वगैरह जो है, आप इनकी आइडियोलॉजी जो भी थी आप इसके बारे में देखेंगे। तो ये देखो आपके सामने चार बुक है, आपने पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे फर्स्ट ईयर में काफी डीपली पढ़ा, बहुत ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ने को मिले यहाँ पे, ये बीए पॉल साइंस ऑनर्स में। लेकिन मान लो आपने पॉल साइंस ऑनर्स नहीं लिया, आपने प्रोग्राम लिया है बीए प्रोग्राम और आपके पास सब्जेक्ट है पॉल साइंस ऑनर्स, तब आप क्या पढ़ोगे, तो आपके सामने ये टॉपिक है। देखो ये थोड़ा ना इमेज जो है वो धुंधला है, आई होप आपको समझ में तो आ जाएगा, मैंने डाउनलोड करे हैं नेट से, वहां पे इसी हालत में मिले। तो ये बीए पोल साइंस का सिलेबस है और प्रोग्राम का, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब आपको दिख गया ना डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको केवल 12 चैप्टर दिख रहे हैं, केवल 12 चैप्टर, ये पॉलिटिकल फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। लेकिन जब आप इसमें आए थे ऑनर्स में, तो आपको देखो ये पूरी की पूरी एक बुक है जिसमें 11 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, अगली बुक में आपको 10 चैप्टर दिख रहे हैं, फिर अगली बुक में आप जा रहे हो फिर आपको इतने सारे चैप्टर दिख रहे हैं, फिर अगली बुक में जा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 5-6 चैप्टर दिख रहे हैं। यानी कि ऑनर्स में आपको कितना ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन प्रोग्राम में आपको कितना कम सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, यही आपको डिफरेंस यहाँ पे पता लग गया होगा कि दोनों जगह क्या डिफरेंस है सिलेबस में। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि दोनों का सिलेबस अलग है, सेम नहीं होता। जो क्वेश्चन था आई होप उनको जवाब मिल गया होगा कि दोनों का सिलेबस अलग है, सिलेबस सेम नहीं होता। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि बीए प्रोग्राम की अगर हम बात करें, मान लो आप प्रोग्राम कर रहे हो या फिर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो और आपके पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आपने पोल साइंस ले रखा है और ऑनर्स में भी आप पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, तो इन दोनों के सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे मिलते हैं जो सेम होते हैं, यानी कि कुछ टॉपिक आपको प्रोग्राम में भी मिल जाएंगे और वही सेम टॉपिक आपको ऑनर्स में भी मिल जाएंगे, समझ गए ना, कुछ टॉपिक सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक टॉपिक राजनीति क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं प्रोग्राम का, और सेम टॉपिक आपको ऑनर्स में भी दिखा था, मैंने आपको दिखाया है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सेम टॉपिक आपको ऑनर्स में भी दिखा था, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों टॉपिक आपको वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा राज्य, ये लोकतंत्र वाला टॉपिक आपको मिलेगा, नागरिकता वाला टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा, और ये जो चिंतक है ना, चिंतक के कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे, यानी कि जो आप प्रोग्राम में पढ़ रहे हो ऑनर्स वालों के पास भी वो चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें जो है बिल्कुल सेम डिक्टो दोनों के पास है, लेकिन ऑनर्स वाले के पास इन टॉपिक के अलावा भी कई सारे टॉपिक हैं जो प्रोग्राम वालों के पास नहीं है। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये कंफ्यूजन दूर कर दूं सबके बीच में से, कि सिलेबस में क्या फर्क होता है और क्या डिफरेंस है, आपको ये पूरा पता लग गया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो नया कोर्स हम करा रहे हैं, वो नया कोर्स हम करा रहे हैं बीए प्रोग्राम का, ठीक है। बीए प्रोग्राम में मैं अभी फिलहाल दो सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, एक तो पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है हिस्ट्री, और ये हमने स्टार्ट करा है फर्स्ट ईयर से, तो हिस्ट्री हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, और जैसे ही एक चैप्टर बचा हुआ है हिस्ट्री का, ये चैप्टर एक कंप्लीट होते हैं पोल साइंस को कंटिन्यू कर देंगे। और एक हम नया कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा होगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स का। अगर आप पोल साइंस ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि नया कोर्स जो है वो तभी स्टार्ट किया जाएगा जब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अगर हमें लगेगा कि भाई ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको सीखने में तो हम ये कोर्स नया स्टार्ट करेंगे, अगर लगेगा नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरी बात और आपको यहाँ पे बतानी है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें मैं आपको बीए प्रोग्राम के पोल साइंस, बीए प्रोग्राम पोल साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और बीए
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना होता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में लिखें। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है हमारा, वो हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा लिखने का कैसा है। और यहाँ पे आपको बीए पॉलिटिकल साइंस और प्रोग्राम के सिलेबस में डिफरेंस पता लग गया, कॉमन टॉपिक पता लग गए, और जो आपकी कंफ्यूजन थी वो आई होप इस वीडियो से दूर हो गई होगी। अगर वीडियो से दूर हो गई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी चीज ये भी जरूर बताएं कि पोल साइंस ऑनर्स का हम कोर्स स्टार्ट करें या नहीं करें, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और शेयर।